नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गाड़ी लेकर भी गाड़ी मालिक को करना पड़ रहा कहीं और काम, जानिए क्यों। मैं फारूक गुलाब किंजारी, मैंने ये गाड़ी विदेश से ली है। चीज में भी साथ है और पल्टी कूलर पे भी साथ है और ये आरसी रूप में टी होने की वजह से मेरी गाड़ी पासिंग नहीं हो रही। मैं एक डेढ़ महीने से बहुत परेशान है। मेरी ट्रांसपोर्ट मालिक से अपील है कि मेरी मदद। ये हैं गाड़ी मालिक फारूक, जिनकी गाड़ी का नंबर MH18AA5393 है। अब इन्होंने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन अपनी गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने 2021 में गाड़ी खरीदी थी जो कि RTO धूले से रजिस्टर्ड थी। फिर इन्होंने गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करवाई, जिसके लिए RTO नदुरवार में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। सब कुछ सही था। फिर दिसंबर 2021 में इनकी गाड़ी का फिटनेस एक्सपायर हुआ, जिसे RTO में करवाने गए तो फारूक जी से कहा गया कि आपकी गाड़ी का चेसी नंबर RC के चेसी नंबर से मैच नहीं करता। दरअसल इनके सभी कागजात में इनका चेसी नंबर सही लिखा गया है, लेकिन सिर्फ RC में इनके चेसी नंबर में A7C की जगह ATC लिखा गया। इसी वजह से इनका चेसी नंबर इनकी गाड़ी के चेसी नंबर से मैच नहीं हो पा रहा, जिसके चलते इनका काम ठप हो गया। गाड़ी तो है पर चला नहीं सकते। RTO की गलती की वजह से ड्राइवर परेशान हो रहा है। सोचिए कि अगर गाड़ी चलाते समय कोई दुर्घटना घट जाती या फिर कोई हादसा हो जाता तो क्या ड्राइवर को इंश्योरेंस मिल पाती? ड्राइवर को इंश्योरेंस के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ती? क्या RTO अपनी जेब से इंश्योरेंस देते? गाड़ी मालिक की सारी कमाई गाड़ी खरीदने में लग गई, जिससे उसने सोचा था कि अपना काम चलाएगा, लेकिन काम ठप हो गया। अब उसे कहीं और काम करके गुजारा करना पड़ रहा है। गाड़ी मालिक ने RTO को कंप्लेंट भी दी है, लेकिन RTO का कहना है कि अभी आपके गाड़ी के कागजात मुंबई गए हैं, जब आएंगे तभी कुछ होगा। लेकिन 1.5-2 महीने से कोई उत्तर RTO की तरफ से नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये गाड़ी मालिक किसी और की गलती की सजा भुगत रहा है। यहाँ पर कसूर RTO का है, और अगर गलती हुई है तो गलती जानने के बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मारदी। ओ बंटी, ये डीजल, ये LED टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है YouTube से या Facebook पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं LED टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।